हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरा और आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट में। आज का वीडियो तो कमाल का है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी के भी व्हाट्सएप मैसेज को अपने मोबाइल में देख सकते हैं। सिर्फ मैसेज ही नहीं, पूरा व्हाट्सएप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी लीगल है। यहाँ पे कोई भी हैकिंग वैकिंग नहीं है, पर ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप इसका गलत उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो खैर, चलिए देखते हैं कि कैसे इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप सिंपली क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बिल्कुल बगल में आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे भी आप क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोलना होगा, प्ले स्टोर को आप खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर खोला, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा WHATSCAN WhatScan। तो हमने सर्च किया, तो ऊपर सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे आप टच कर लीजिए, और इसे आपको डाउनलोड करना होगा। बहुत ही कम MB का फाइल है, ये फट से डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद इसे आप सिंपली ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वो मोबाइल है जहाँ पे मैंने WhatScan डाउनलोड करके रखा है, और ये वो मोबाइल है जिसका WhatsApp को मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इससे ये WhatScan डाउनलोड करने के साथ साथ, खुलने के साथ साथ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे लैंग्वेज का सेटअप के लिए। मैं इंग्लिश क्लिक कर लेता हूँ, इंग्लिश मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ये आप येस कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट करना होता है, पासवर्ड कोई भी आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, दोबारा से मैंने डाल दिया यहाँ पे, और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। दोबारा से मुझे डालना होगा, और कंफर्म मैंने कर दिया, और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक QR खुलेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि जिस मोबाइल का मैसेजेस को आप रीड करना चाहते हो, WhatsApp को आप कंट्रोल करना चाहते हो, वो मोबाइल आपको WhatsApp खोलना होगा। WhatsApp खोलने के बाद आप यहाँ पे जो ये आपको 3 टिक मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद WhatsApp वेब पे चले जाइए, यहाँ पे चला गया। अभी यहाँ पे क्या करना होगा, ये मोबाइल के द्वारा आपको ये मोबाइल का QR कोड जो है इसे आपको स्कैन करना होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अभी मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ, इसे मैं स्कैन कर लेता हूँ, तो ये स्कैन हो चुका है। अभी जो है यहाँ पे जितने भी मैसेजेस है, कॉन्टैक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो WhatsApp है वो टोटली यहाँ पे आपको शो करेगा, ये मोबाइल पे आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट वही आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मोबाइल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ला देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट वही है। यदि मैं यहाँ पे किसी को मैसेज भेजता हूँ, ये मोबाइल कोई मैसेज भेजता है यहाँ पे, सपोज कि मैंने यहाँ पे हाई भेजा, हाई, तो ये मैंने यहाँ पे हाई भेजा, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी जो है चला जा चुका है। तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे करता है वो यहाँ पे लाइव हो जाते हैं। आप किसी का भी मैसेजेस इस प्रकार से आप आसानी के साथ देख सकते हो, मैसेज हो, इमेजेस हो, वीडियो, जो भी यहाँ पे करता है, आपका पूरा यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा कंट्रोल ही बन गया है। तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ किसी के भी व्हाट्सएप को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।